अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय नदर व्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। रमज़ान मुबारक, रमज़ान का मंथ है। लाइट लैम्प डेकोरेशन तो ऑब्वियस है एंड कुछ इस तरीके से मैंने अपने घर को डेकोरेट किया हुआ है। ये मैंने टेबल बनाई है, अपनी डाइनिंग टेबल बना के रखी है कुछ इस तरीके से। ये मैंने कुरान रखने का प्लेस बनाया हुआ है, कुरान कॉर्नर। और ये मैंने DIY से रमज़ान मुबारक लिखा हुआ है, बट ये थोड़ी लाइट के वजह से ये उतनी प्रॉपर दिख नहीं रही है। ये रहा मेरा कुरान कॉर्नर। डाइनिंग टेबल को बहुत प्यारे प्यारे मून्स और स्टार के प्लेट से डेकोरेट किया है। घर में कोई भी चीज़ें और एजल उसमें शामिल ना हो और आपकी हेल्प ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो एजल यहाँ रमज़ान की लालटेन सब यहाँ डेकोरेट कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं मेरी इस सबको डेकोरेशन करने में। ये मैंने अपनी नमाज कॉर्नर बनाई है नमाज पढ़ने के लिए, और ये कुछ इस तरीके से दिख रही है। जब से मैं यूएई आई हूँ, मैंने यहाँ का कल्चर नोटिस किया है कि कोई भी फेस्टिवल हो, किसी का भी फेस्टिवल हो, सबने अपनी बालकनी डेकोरेट करनी होती है। तो रमज़ान है तो मैंने भी अपनी बालकनी डेकोरेट कर दी, और यहाँ से मेरी बालकनी से मॉस्क का व्यू पूरी क्लियर नज़र आती है। और मैंने अपने किचन को कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया है, उस पर छोटे छोटे स्टिकर्स लगाए हैं रमज़ान करीम, रमज़ान मुबारक के। आप यहाँ देख सकते हो छोटे छोटे हैं। ये क्यूट से लालटेन्स बने हुए हैं, और एंड रमज़ान मुबारक के लिए मैंने प्लेटें बनाई हुई हैं। ये प्लेटें बहुत ही प्रिटी लग रही थी तो मैंने इसे बनवा लिया। इस पर सब पे रमज़ान मुबारक लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके से हैं सारी प्लेटें। आज मैं बनाने हैं चिकन वॉन्टन, जिसके लिए आपने चॉपर में चिकन ले लेने हैं, उसमें शामिल करने हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, कोरिएंडर लीव्स, थोड़े से कैप्सिकम, थोड़े से अनियंस, ग्रीन चिली, थोड़े से सॉल्ट, थोड़े से पेपर, सोया सॉस इसमें शामिल करके इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेने हैं। एंड लास्टली इसमें ऐड करने हैं थोड़े से ऑलिव ऑयल, और इसे आप अच्छे से ग्राइंड कर लें जब तक ये पूरे कंबाइन ना हो जाए और अच्छे से थिक पेस्ट में ना तरीके से तब्दील ना हो। जो हमने वॉन्टन की स्टफिंग बनाई चिकन वॉन्टन की, इस पे इस तरह के स्क्वायर शीट्स ले लें। आप शीट्स कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ख़ुद की बनाई हुई शीट्स या मार्केट में जो अवेलेबल होती है वो शीट, या स्प्रिंग रोल वाली शीट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं उसको। और उसको किस इस तरीके से शेप देनी है, और ये रेडी हो गया। आप इसको तुरंत भी फ्राई कर सकते हो, और आपके अगर बच गए तो आप इसको स्टोर भी कर सकते हो, जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो ईज़िली, नेक्स्ट डे काम आ।
नेक्स्ट मैंने बनाया है मैंगो फालूदा, जिसके लिए सबसे पहले हम लोग जली रेडी करेंगे। जली मैंने मार्केट का जली यूज़ किया है, तो उसके लिए आपको बॉइलिंग वाटर में डालनी है जली के पैकेट्स, और उसमें फिर कोल्ड वाटर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देना, विस्क करते रहिए जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए। फिर इसको रेफ्रिजरेट करना है जब तक ये जली पूरे थिक ना हो जाए। मिक्सचर जार में मैंगो पल्प लेने हैं, थोड़े से मिल्क डालने हैं और इसके एक थिक प्यूरी बनानी है। उसके साथ साथ इसमें हम लोग कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे, 100 ग्राम्स ऑफ कंडेंस मिल्क इसमें इसके टेस्ट के लिए। साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून ऑफ शुगर इसकी स्वीटनेस के लिए। फिर ये देखें मैंने इसको ग्राइंड कर लिया और थिक पेस्ट बना लिया है। अब इसकी ड्रेसिंग के लिए हमें चाहिए क्यूब्स में कटे हुए मैंगो, सब्ज़ा सीड, फालूदा वाली नूडल्स और रबड़ी। मैंने थोड़ी सी रबड़ी बनाई है दूध की इसमें ऐड करने के लिए। अब हम इसको ग्लास में इसको निकालेंगे। ग्लास में निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें ऐड करेंगे अपना मैंगो पल्प, नेक्स्ट चाय का सब्ज़ा सीड्स, उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने रबड़ी बनाई है उससे, उसके बाद से थोड़े से मैंगो पल्प और अगेन फालूदा नूडल्स इसमें डालेंगे। और अपने चॉइस की कोई भी आइसक्रीम ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, मैंगो वलीना, मैंने तो मैंगो और वलीना दोनों शामिल किए इसमें। एंड ये बनके तैयार हुई। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।